नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, देखिए निफ्टी ने भी जबरदस्त मूवमेंट यहाँ तक किया है। 13,600 के बाद से हम पहुँच चुके हैं 14,600 पे, यानी 1,000 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे दो दिनों में निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, इसी फ्लो में चलने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने पिछला हाई बनाया था वो भी हम पिछले हाई के आसपास पहुँच चुके हैं। जो हमारा पिछला हाई था वो था 14,753 का, जो हमारा आज का हाई लगा है वो 14,731 का लगा है। तो थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे कूल होने दीजिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो उसका स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे 14,500 का लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब आपने नीचे की तरफ से बाइंग किया हुआ होगा। तो आज अगर आपने आज बाइंग किया है तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है उसको लेते रहिए यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, जब बैंक निफ्टी 14,800 के ऊपर क्लोज करेगा तब। 14,800 के ऊपर अब नई मूवमेंट आपको मिलेगी जो कि इसको लेके जाएगी 15,180 के आसपास तक लेके जा सकती है निफ्टी को। तो निफ्टी में अब हमें पोजिशनली ट्रेड कब लेना है, जब यहाँ पे 14,800 के ऊपर हम क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब तक हम 14,800 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं तब तक हम पोजिशनली ट्रेड यहाँ पे लेके अब निफ्टी में नहीं जाएंगे। अब निफ्टी में देखिए इंट्राडे में कल हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, तो उसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह से मूवमेंट यहाँ पे बन सकती है। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो हम जो सुबह ओपन हुए हैं, ओपनिंग को हमने ब्रेक नहीं किया है, तो ओपनिंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कल के लिए भी, परसों के लिए भी, जब भी हम इसके नीचे एक बार ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एक डाउनफॉल आ सकता है तेजी से, जो कि यहां पे 250 से 300 पॉइंट का हो सकता है। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ये एक सपोर्ट का काम करेगा। कल के सेशन में ये ध्यान रखिएगा, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को निकालते हैं तो एक मूवमेंट आपको छोटी सी देखने को मिलेगी और इसकी मूवमेंट आपको तब बनेगी जब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे यहां पे 14,690 के ऊपर। ध्यान रखिएगा, 14,690 के ऊपर अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हम जा सकते हैं जो आज का हमने हाई लगाया है 14,730, 14,740 और उसके बाद जा सकते हैं 14,760-780 के पास में हम यहाँ पे निफ्टी में जा सकते हैं। तो निफ्टी में हम ट्रेड कब बनेगा, जब 14,690 के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे इंट्राडे में। तब इंट्राडे में जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया था, उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ट्रेंड लाइन का एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो नीचे की साइड में आपको मूवमेंट तब मिलेगी जब हम 14,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जब हम 14,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पे होगा 14,560 का और दूसरा टारगेट होगा 14,520 का। तो दो टारगेट यहाँ पे नीचे की साइड में रहेंगे अगर हमने 14,600 को ब्रेक किया तब, 14,560 और 14,520 का। ऊपर की साइड में अगर हमने 14,690 को ब्रेक किया तो 14,630 और दूसरा टारगेट होगा 14,670-680 के पास तक हम यहाँ पे जाएंगे। दोनों ही कंडीशन में आपको SL बिल्कुल स्ट्रिक्टली लगा के रखना पड़ेगा। तो SL हमारा होगा, अगर हम नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो हमारा जो SL होगा वो होगा 14,630 के आसपास का आपको लगाना पड़ेगा। अगर हम ऊपर 90 को ब्रेक करते हैं तो हमारा SL जो है यहाँ पे 50 का लगाना पड़ेगा, यानी 14,650 का आपको SL यहाँ पे लगा के रखना पड़ेगा इंट्राडे के हिसाब से। दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक वीडियो अपने लर्निंग वाले चैनल पे डाल दी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। हमारा जो लर्निंग वाला चैनल है उसका नाम है लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। उस पर मैं लर्निंग की बहुत सारी वीडियो डालते रहता हूँ, बैंक निफ्टी ऑप्शन की बहुत सारी वीडियो डालते रहता हूँ। आज मैंने सुबह सुबह बैंक निफ्टी बाइंग किया, वो किस बेस पर बाइंग किया वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पर जाके बताया हुआ है, तो आप उसको जाके वहाँ पर देखिए, सीखिए, समझिए। देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, आप इसको ये मत सोचने की कोशिश कीजिए कि मैं किसी तरह से प्रॉफिट बनाऊँ। प्रॉफिट तो बन जाएगा, अगर आप सीख जाओगे तो आपको प्रॉफिट बन ही जाएगा, लेकिन पहले सीखो, प्रैक्टिस करो। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने पहले प्रैक्टिस के लिए यहां पे टाइम दो तो स्टॉक्स मार्केट आपको फिर पैसा देगा। स्टॉक्स मार्केट आपसे सिर्फ और सिर्फ टाइम मांगता है, सक्सेस आपसे सिर्फ टाइम मांगती है। अगर आप टाइम देना स्टार्ट कर दोगे तो सक्सेस आपके हाथ में है, इस बात को मेरी आप ध्यान रखिएगा। आप चलिए देखते हैं निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टॉक हमारा अदानी पोर्ट, यहां पर भी एक अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है तो नजर बना के रखिएगा, क्योंकि इसका अगला रेजिस्टेंस जो है वो 560 के आसपास में है। एशियन पेंट मूवमेंट तब तक नहीं बनेगी जब तक ये 2550 के ऊपर ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करेगा। बजाज ऑटो अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे है, देखिए इतने मार्केट डाउनफॉल में भी ये स्टॉक ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गया और ब्रेकआउट होने के बाद बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे कर रहा है। तो इसके पास, जिसके पास पोजीशन है वो जरूर यहाँ पे बना के रहिएगा, नई पोजीशन के लिए मैं एंट्री करने के लिए यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। बजाज फिंसर यहाँ पे मेरा अभी कोई व्यू नहीं है। बजाज फाइनेंस में ध्यान रखिएगा, जब ये 5400 के ऊपर क्लोज करेगा तभी यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आज की कैंडल शूटिंग स्टार बनी है तो नज़र बना के रखिएगा। कल शायद अगर शूटिंग स्टार के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट
करें तो फिर से एक नीचे की साइड में मूवमेंट यहाँ पे बन सकती है। भारती एयरटेल इसका रेजिस्टेंस जो है वो 610-612 का है, तो 610-612 के ऊपर क्लोजिंग ही इसको आप लेके जाइएगा, उसके पहले वेट कीजिए। BPCL एक जबरदस्त मूवमेंट मिल चुकी है, तो स्टॉपलस यहाँ पे 400 का आप फॉलो कर लीजिएगा। ब्रिटानिया कुछ मत कीजिए, सिप्ला में भी कुछ नहीं करना है, कोल इंडिया ऑलरेडी इसी लेवल के आसपास अभी कुछ नहीं करना है, डिवीज लैब में भी बस इंतजार कीजिए। डॉक्टर रेड्डी देखिए जबरदस्त मूवमेंट डॉक्टर रेड्डी में नीचे की साइड में बनी हुई है, और ऑलरेडी मेरे पास इससे पोजिशनली मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है डॉक्टर रेड्डी की, लेकिन मेरे नीचे की प्राइस पे है और वो लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा वहाँ पे लगभग 5-6 साल का, तो बहुत नीचे की प्राइस पे है मेरे पास, लेकिन जबरदस्त प्रॉफिट मुझे हो रहा था। और वो देखिए 10 से 12 दिन में वो 5500 वाला स्टॉक्स आ गया, 4500 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल मुझे मिल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने 4-5 साल के लिए लिया हुआ है, तो ये यहाँ पे मैं बना रहूँगा और कंटिन्यू अगर ये 3000 भी आता है तो मैं यहाँ पे और ऐड करने की कोशिश करूँगा डॉक्टर रेड्डी को। आइसर मोटर यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। गेल इंडिया देखिए बाकी स्टॉक्स को ध्यान से चार्ट को देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी स्टॉक्स छोड़ देंगे और कुछ मेजर जो स्टॉक्स हैं 6-7 स्टॉक्स हैं निफ्टी के उसको छोड़ देंगे तो आपको निफ्टी में कहीं पर भी बड़ी कैंडल या बड़ी मूवमेंट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। गेल में भी कुछ नहीं करना है। ग्रासिम बहुत अच्छी मूवमेंट कर रहा है, ऑलरेडी ग्रासिम में बहुत पहले से आप लोग को रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ, तो ग्रासिम में टारगेट यहाँ पे 1200 का मिल चुका है, तो आप यहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। SCL टेक्नोलॉजी अभी कुछ नहीं करना है। HDFC यहां पर भी देखिए जो रेजिस्टेंस था वो 2770-2780 के पास में है, तो नेक्स्ट मूवमेंट तो यहां पे 2780 की क्लोजिंग के बाद ही यहां पर भी नजर आएगी। HDFC लाइफ यहां पर भी कुछ नहीं करना है। हीरो मोटोकॉर्प में भी कुछ नहीं करना है। हिंडाल्को मेरा कोई व्यू हिंडाल्को में नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही यहां पे बढ़ रहा है। इन्फी कुछ नहीं करना है। IOC में भी, IOC में कल एक बाइंग कर सकते हैं, अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो कल इसको बाइंग कर सकते हैं। आज का हाई है 99.2, तो कल के टारगेट आपको 101 तक इसमें मिल सकते हैं। ITC देखिए मैंने 2-3 दिन पहले डाला हुआ था कि इसको आप लोग बाइंग कर सकते हैं ITC को, क्योंकि किसी ने बाइंग किया है, मैंने बताया था किसने बाइंग किया है, तो ऑलरेडी इसमें देखिए 10% की मूवमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे JSW स्टील कुछ नहीं करूँगा, वेट करूँगा। LNT यहाँ पर जबरदस्त मूवमेंट, जो कि मैं पिछले 10 दिनों से आप लोग को बोल रहा था कि जैसे ही ये 1400 निकालेगा ये 1500 के पास तक जाएगा, और आज का हाई देखिए लगभग 1600 का हाई लगा के LNT आया है, तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट LNT में मिल चुकी है। M&M में कुछ नहीं करूँगा अभी, मैं मारुति में भी कुछ नहीं करूँगा, नेस्ले सिर्फ वेट करूँगा, NTPC वेट करूँगा, ONGC में कुछ नहीं करने वाला हूँ, पावर ग्रिड में भी कुछ नहीं करूँगा। चार्ट देखो, कोई चार्ट यहाँ पे कुछ सजेशन नहीं कर रहा, लेकिन निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर जा चुका है, ध्यान रखना आप लोग। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर कल आज के हाई के ऊपर निकलता है तो थोड़ी एक मूवमेंट बन सकती है, जो कि इसको 1950 के पास तक लेके जा सकती है, तो वहाँ नज़र बना के आप रख सकते हैं। SBI लाइफ यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, नीचे अगर ये 850 के नीचे क्लोज करेगा तो बहुत तेज़ी से ये नीचे की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर दिए जाएंगे। अगला स्टॉक्स हमारा श्री सीमेंट, बहुत जबरदस्त मूवमेंट श्री सीमेंट में हुई, लेकिन 26000 का स्टॉक्स, ना इसको रिकमेंड करूंगा ना इसको लूंगा। सन फार्मा कुछ नहीं करना है। टाटा मोटर जबरदस्त मूवमेंट 300 के ऊपर क्लोज कर दिया, जैसे मैंने बोला था कि 300 के ऊपर ही नेक्स्ट मूवमेंट आएगी और वो उसको 340-360 के आसपास तक लेके जाएगी, तो यहाँ पर नज़र बना के रखिए, बने रहिए। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास भी पोजिशन है, लगभग मेरे ख्याल से 67% का प्रॉफिट मुझे हो रहा है, और जल्दी मैंने पोजिशन बाइंग की थी, मेरे ख्याल से 200 के आसपास पोजिशन मैंने इसको बाइंग किया था टाटा मोटर को। टाटा स्टील यहाँ पे कुछ नहीं करना है। TCS में भी कुछ नहीं करूँगा, टेक महिंद्रा में भी कुछ नहीं करूँगा। टाइटन देखिए चार्ट कुछ नहीं बोल रहा है, किसी के चार्ट कुछ नहीं बोल रहे तो क्या बोलूँ मैं। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे एक मूवमेंट जरूर सीमेंट सेक्टर में हुई है, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई व्यू अभी था नहीं। UPL में कल देख सकते हैं, आज के हाई के ऊपर निकलता है तो कल एक मूवमेंट बन सकती है, शायद ये कल के सेशन में आपको 10 से 12 रुपए की मूवमेंट दे सकता है। विप्रो में कुछ नहीं करूंगा। और जील कि मैं आप लोग को बार बार बोल रहा था कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट तब आएगी जब ये 237-240 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। आज मैंने इसमें पोजिशन बनाई है, 236.50 रुपये पे मैं इसको लेके गया हूं, और इसका मेरा जो SL रहेगा वो 235 रुपये का मैं SL यहां पे लगा के बैठा हूं, क्योंकि इसने क्लोजिंग ऑलरेडी 242-243 पे दे दी है, और आज का हाई भी इसने 247 का लगा दिया था, तो मेरा स्टॉप 235 का आप मान के चल सकते हैं कि 235 का स्टॉप लॉस के साथ में मैं इसको फॉलो करूंगा। मेरा जो टारगेट यहां पे रहेगा 260 के आसपास का रहेगा जील में। अब देखते हैं ये टारगेट होता है या SL होता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।